नमस्ते दोस्तों, आप सभी का माचर है माइक्री जी की उषा में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये खूबसूरत सा फूल बनाना सिखाऊंगी और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो बनाना सिखाया है। इस फूल को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें, जिससे आपको इसी तरीके की और भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए ये खूबसूरत सा फूल बनाना शुरू करते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरीके से दो उंगलियों में इस तरीके से लपेटेंगे और ये क्रोशिया को हम यहाँ से डालेंगे और इस जगह से इस वाले धागे को बाहर की साइड निकाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया को इस रिंग में इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारी 1 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसी तरीके से हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4 और इसी तरीके से हम 9 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस मेजरिंग में 9 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इस धागे को इस तरीके से पकड़ के खींचेंगे और इस रिंग की छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसी जगह पर जहां पर हमने ये 3 चेन बनाई है जिसके ऊपर, उसी में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली एक ही चेन में। अब इसके आगे की जो चेन है या जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया कर ली है और लास्ट में हम जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में 1, 2, 3 उसकी थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। जो हमारा अगला राउंड बनेगा केवल वो आगे वाले फंदों में बनेगा। तो ये जैसे ये चेन है ये 2 फंदों से बनी है, ये पीछे वाला फंदा है और ये आगे वाला फंदा है। तो जो हमारा अगला राउंड बनेगा वो केवल आगे वाले फंदों में बनेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पलटेंगे, 1 चेन छोड़ के 4 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और 4 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये 4 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे जो आगे वाला फंदा है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा पूरा राउंड आगे वाले फंदे में बनेगा। तो इस तरीके से आगे वाले फंदे में हमने स्लिप स्टिच कर ली। अब इसके आगे हम इसी तरीके से बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 पलटेंगे, 1 चेन छोड़ के 4 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। और इसके आगे वाले फंदे में स्लिप स्टिच करेंगे, इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, पलटेंगे, 1 चेन छोड़ के 4 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जहां से हमने शुरू किया था उसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड जो हमने ये पीछे वाले फंदे छूटे हैं इनमें बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जो पीछे वाला फंदा है पहला वाला, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम इसी
पीछे वाले फंदे में वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये टू डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे जो ये आगे वाला जो पीछे वाला फंदा है इसमें भी हम इसी तरीके से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर पीछे वाले फंदे में टू डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से पूरे राउंड में हर पीछे वाले फंदे बना लेंगे टू टू डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे वन चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बन के तैयार हो गया। अब हम बाकी धागे को कट कर देंगे। अगला राउंड हम सफेद रंग से बनाएंगे, तो इसे हम और पूरे राउंड में किसी भी डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड में किसी भी डबल क्रोशिया में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे हम 22 चेन्स बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 22 चेन्स बन गई। अब हम इसके आगे 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाली डबल क्रोशिया में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 22 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे आगे वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 22 चेन्स बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे आगे वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया। और इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 22 चेन्स बना ली हैं। और लास्ट में हम जो हमने शुरुआत में सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम वन चेन बनाएंगे। और इसके आगे जो 22 चेन्स हैं इनमें हम सबसे पहले 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 11 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से ये 11 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहां पर 11 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से हमें 22 चेन्स में 11 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 11 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे जो 22 चेन्स है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे 11 सिंगल क्रोशिया, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। हर 22 चेन्स में 11 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 11 सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बना लेंगे। इस हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। हमने पूरे राउंड में हर 22 चेन्स में 11 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 11 सिंगल क्रोशिया बना ली है। और लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने क्रोशिया को डाला और स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 11 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 11
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें हमने स्लिप स्टिच की है वहां शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये लास्ट जो है ये इलेवन सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये इलेवन सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे जो टू चेन का गैप है, ये जो टू चेन का गैप है बीच में, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इसमें हम वन सिंगल क्रोशिया, टू चेन और वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 11 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और लास्ट इलेवन। इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे यहां शुरू करेंगे, इसके आगे जो इलेवन सिंगल क्रोशिया है इनमें हम इलेवन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, वन टू थ्री तरीके से 11 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे जो टू चेन का गैप है इसमें हम वन सिंगल क्रोशिया, टू चेन और वन सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे जो 11 सिंगल क्रोशिया है इनमें भी हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बन के तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टू चेन के गैप में वन सिंगल क्रोशिया और टू चेन और वन सिंगल क्रोशिया बनाने की वजह से इस साइड 12 सिंगल क्रोशिया हो गई है और इसी तरीके से इस साइड भी 12 सिंगल क्रोशिया हो गई है और इस साइड भी 12 सिंगल क्रोशिया हो गई है। तो इस तरीके से ये 12 सिंगल क्रोशिया और 12 सिंगल क्रोशिया मिलाकर टोटल मिलाकर 24 सिंगल क्रोशिया हो गई और इसी तरीके से ये पूरा राउंड बन के तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम वन चेन बनाएंगे और इसके आगे हम और 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो 12 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे और जिसमें हमने वन चेन और स्लिप स्टिच की है उसी से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 12 सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो ये 24 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे जो टू चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया,
टू चेन और वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 24 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी। तो इस तरीके से इसमें इस साइड टू चेन के गैप में वन सिंगल क्रोशिया टू चेन और वन सिंगल क्रोशिया बनाने की वजह से इस साइड 30 सिंगल क्रोशिया हो गई है और यहां से यहां तक 26 सिंगल क्रोशिया हो गई है और इसी तरीके से ये राउंड बन के तैयार हो गया है। अब जैसे कि हमने ये 7th और 8th राउंड बनाया है इसी पैटर्न के अनुसार हम 14 राउंड तक बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने 7th और 8th राउंड बनाया है उसी पैटर्न के अनुसार 14 राउंड तक बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसे 14 राउंड तक बना लिया है। अब इसके आगे हम वन चेन बना के बाकी धागे को कट कर देंगे। अब हम इस सिरे को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से पंखुड़ी बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये फूल बनके तैयार हो गया है। आपको ये फूल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।